दोस्तों, अगर आप इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप परीक्षा ऐप से इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ बाय कर सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज़ प्रीवियस ईयर के बेसिस पर है और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए रहने वाली है। दोस्तों, जब आप इन टेस्ट सीरीज़ को बाय करें तो आप आई रोजगार 40 जो है प्रोमो कोड यूज़ करें ताकि आपको 40% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाए। दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा सस्ते में आप इतने अच्छे कंटेंट वाली टेस्ट सीरीज़ को बाय कर सकते हैं। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हमारे जो है आज की वीडियो की। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंडियन एयरफोर्स की जो ऑफिशियल रिक्रूटमेंट आई है 2020 में, उसमें दोस्तों क्या क्या बदलाव हुए हैं, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, जो कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। एक और बात दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट मुझसे ये पूछ रहे थे कि क्या 12वीं में जो कैंडिडेट पढ़ रहे हैं, जो 12th अपेयरिंग है, क्या वो भी फॉर्म भर सकते हैं या फिर नहीं भर सकते। ये सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि आप सभी को पता है दोस्तों, काफ़ी लिमिटेड चांसेस ही आपको जो है इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स की 12th पास रिक्रूटमेंट में मिलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अब बात कर लेते हैं हमारे जो इम्पोर्टेंट चेंजेस हुए हैं उनके बारे में। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चेंज है दोस्तों, वो तो आप सभी को पता हुआ कि डेट ऑफ बर्थ तो हर बार जो है चेंज होती है। तो डेट ऑफ बर्थ दोस्तों अब की बार जो रखी गई है वो है आपकी 17 जनवरी 2000 से लेके 30 दिसंबर 2003। यानी अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 17 जनवरी 2000 है या फिर 30 दिसंबर 2003 है या फिर इन दोनों डेट्स के बीच की है तो ही आप जो है अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, उसके साथ ही साथ आपको जो उन्होंने क्वालिफिकेशन मांगी है वो भी आपके पास होनी चाहिए, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों, जो दूसरा अपडेट मैं आपको बताने वाला हूँ, काफ़ी कम कैंडिडेट को पता होता है और यहाँ पर दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ जो मिनिमम हाइट रहेगी, अगर आप एक्स या फिर वाई ग्रुप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो मिनिमम हाइट होनी चाहिए, कम से कम ऊंचाई होनी चाहिए वो 152.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। दोस्तों, वेट की अगर मैं बात करूं तो वेट आपका जो है हाइट के प्रोपोर्शनल होना चाहिए, हाइट के प्रोपोर्शनल आपका जो है वेट होना चाहिए। अगर चेस्ट की मैं बात करूं तो चेस्ट में दोस्तों आपका जो एक्सपेंशन है वो कम से कम 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। यानी आपकी जब छाती है वो फुलाव, उसमें जो होना चाहिए वो 5 सेंटीमीटर का कम से कम होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, अगर आप ऑपरेशनल असिस्टेंट जो है के लिए जाना चाहते हैं ट्रेड के लिए, ताकि आपको ट्रेनिंग के बाद वो ट्रेड मिले, तो आपका जो मिनिमम वेट है वो 55 kg होना चाहिए, तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों, अगर मैं नेक्स्ट बारे में बात बताऊं, जो कि कैंडिडेट काफ़ी ज़्यादा मुझसे पूछ रहे थे कि क्या 12वीं में पढ़ रहे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, तो मैं यहाँ पर दोस्तों आपको क्लियर जवाब दे देता हूँ कि जो कैंडिडेट अभी फ़िलहाल 12वीं में पढ़ रहे हैं, जिनके एग्ज़ाम जो है फेब और मार्च में होने वाले हैं, वो बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर वही कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे जिनके पास 12वीं की मार्कशीट एट प्रेजेंट अवेलेबल है, साथ ही साथ दोस्तों जो एलिजिबिलिटी को जो है जिनकी एलिजिबिलिटी है वही अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके हाथ में मार्कशीट है, अगर आप एलिजिबल हैं, तो डेफिनेटली आप जो है अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन जो कैंडिडेट अपियरिंग है वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ऑनलाइन फॉर्म आपके 2 जनवरी से शुरू हो रहे हैं, लास्ट डेट आपकी 20 जनवरी रखी गई है। दोस्तों, जितना जल्दी हो उसके आप अप्लाई कर दीजिएगा। उसके साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो है आपको लास्ट डेट से पहले पहले जितना जल्दी हो उसके अप्लाई कर देना चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम में दोस्तों साइट काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाती है और कई कैंडिडेट तो ऐसे होते हैं कि सोचते हैं कि लास्ट डेट पर अप्लाई करेंगे और लास्ट डेट में साइट न चलने के कारण वो अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो आपसे सभी से मेरा निवेदन है कि आप जितना जल्दी हो उसके ऑनलाइन फॉर्म जैसे ही स्टार्ट हो आप अप्लाई कर दीजिएगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कोई भी आपका जो है डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों, परीक्षा ऐप को आप जरूर से इंस्टॉल कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है और आपके एग्जाम में अच्छा स्कोर करने में काफ़ी ज़्यादा मदद आपकी करने वाली है। बाकी मिलते हैं दोस्तों आपको अगली वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ इंडियन रोजगार पर। जय हिंद, जय भारत।